हेलो दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ एनजीओ वाली वेबसाइट का न्यू पार्ट लेके। और इस पार्ट में डिटेल्स वाले पेज पे वर्क करेंगे और उससे भी पहले कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करो। देखो मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे तीन कंपोनेंट बनाऊंगा। रिक्वायरमेंट तो अभी हमें दो की है, कि इन फ्यूचर हमें तीसरे की भी पड़ेगी, तो हमने बनाया नहीं था तो मैं बना लेता हूँ। राइट, चलो यहाँ बनाऊंगा आइकन। एक्चुअली गाइस तीनों का हमें पड़ेगा, मैं बना ही लेता हूँ। fail.js, जब हम पेमेंट करके, देखो क्यों बनाएंगे, जब पेमेंट करके रिटर्न आएंगे ना तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। आइकन सबसे एंड एक बनाएंगे मॉडल, और मॉडल डॉट जेएसएक्स को इंप्लीमेंट भी कर देंगे अभी। मॉडल मॉडल है मॉडल और जेएसएक्स। अब मैं इसमें पहले पेस्ट करता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो आज मैं कोई कोड इसमें टाइप करने वाला नहीं, क्योंकि यार सीएसएस टाइप करने बहुत टाइम लगता है और हमें तो लॉजिक देखना है ना। एक्सप्लेन तो मैं कर ही दूंगा, या पूछते हो सीएसएस समझ में नहीं आता है तो मैं बताता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, पहले आइकन डॉट फेल को बना दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन आइकन फेल फंक्शन बनाया। उसके वास्ते मैंने रिटर्न के अंदर एक डी आई भी लिया, और डी आई भी मैंने दे दिया MX ऑटो फ्लेक्स S12W12, ताकि हमारा स्क्वायर में आइकन हो, लंबाई चौड़ाई बराबर। आई फ्लेक्स लिया है तो आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर लेंगे, एकदम सेंटर में वो इमेज आएगा। जो भी इमेज आइकन हम ऐड करेंगे वो एकदम सेंटर में होगा। और राउंडेड फुल कर दिया किस तरह का दिखे हो, और मैंने बीजी Red 100 कर दिया बैकग्राउंड के लिए। और उसके बाद से देख सकते हो मैंने SVG पेस्ट कर दिया है। SVG आपको यहीं से पेस्ट करना है, यदि कहीं से भी पेस्ट करोगे ना तो आपको ये क्लास नेम ऐड करना होगा SVG में, इतना तभी दिखेगा सही। आप कहीं से SVG पेस्ट करो, लेकिन आपको SVG के अंदर ये क्लास नेम ऐड करना होगा। राइट, चलो सेम काम हम सक्सेस के लिए भी करेंगे, तो मैं पहले कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, सब कुछ सेम वही रखा है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैंने बीजी ग्रीन कर दिया और यहाँ पे मैंने बीजी टेक्स्ट ग्रीन 600 कर दिया है, और SVG को चेंज कर दिया है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके चलो बढ़िया। अब आते हैं मैं मॉडल पे। मॉडल पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे सक्सेस और फेल दोनों आइकन को इम्पोर्ट किया है। उसके पास एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन मॉडल, और यहाँ पे मैंने पास किया मैसेज एंड टाइप रिसीव कर लिया। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया, देखो प्रॉप्स में पास करता तो मैं प्रॉप्स डॉट मैसेज प्रॉप्स डॉट टाइप करना पड़ता, लेकिन मैंने ऐसे कर दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर तो डायरेक्ट मैसेज के अंदर मैसेज आ जाएगा। और क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्चर मैंने कर दिया और टाइप के अंदर टाइप आ जाएगा। फिर मैंने एक यूज स्टेट लिया है, कौन सो मॉडल सेट सो मॉडल, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक मेन डी आई भी लिया है और इसके अंदर मैंने क्लास नेम क्या दिया है, देखो ध्यान से देखना, मैंने कर्ली ब्रेसेस लिया है और इसके अंदर ये बैक टिक लगाया है। फिर मैंने जो नॉर्मल ये टैलेंट की क्लासेस हैं वो लिखा है, और बीच में या लास्ट में एज जहाँ चाहो वहाँ लिख सकते हो। देखो मैंने सो मॉडल ट्रू है तो हिडन ऐड कर दिया है, अदरवाइज नथिंग ब्लैंक, यही आपका लॉजिक है। उसके बाद चलते हैं नीचे। इस डी आई भी के बाद मैंने एक और डी आई भी लिया, और इसमें देखो ये क्लास नेम दिया है रिलेटिव T20 MX ऑटो W696। देख सकते हो क्या फायदा फालतू का पढ़ने के। फिर मैंने उसके अंदर डी आई भी लिया है, और क्लास देखो आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करें, देख समझना ना कि सीएसएस काम कैसे कर रहा है। एक लाइन लिखो सेव करके देखो, फिर उसके अंदर का एक लाइन लिखो सेव करके देखो, पता चल जाएगा। एक ही बात, आप कॉपी पेस्ट मत करो, देखो मैंने ऑलरेडी ये सारा कोड किया हुआ है तो मुझे कॉपी पेस्ट करना है।
क्योंकि देखो इस उस तरह से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा डायरेक्ट पोर्ट करने का मतलब। फिर मैंने देखो यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस है, दो DIV को मैंने क्या किया है ध्यान से देखना, टाइप इक्वल इक्वल सक्सेस, देन सक्सेस आइकन को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, एल्स फेल आइकन को इंपोर्ट करेंगे, और फिर उसके नीचे H1 मैंने टैग लिया है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, CSS लिया ना, मैं एंटर कर देता हूँ, कन्फ्यूजन आ रहा है। H1 सॉरी ST के अंदर मैंने क्लास नेम लिया है, यहाँ तक ये सही है, लेकिन उसके अंदर का जो टेक्स्ट होगा ये देखो टाइप पे डिपेंड करेगा, यदि टाइप सक्सेस होगा तो सक्सेसफुल दिखेगा, अदरवाइज फेल दिखेगा। और DIV फिर मैंने लिया और PTAG लिया, ये तो सेम ही होगा, मैसेज सक्सेस या फेल जो भी वहां से आएगा वहां पे मैसेज दिख जाएगा। फिर उसके नीचे मैंने एक और DIV लिया और यहाँ पे सक्सेस और फेल का ऑप्शन रखा है। देखो ये तो आपका हो गया DIV के क्लास नेम, उस क्लास मैंने क्या रखा है टाइप, टाइप सक्सेस है तो हमारे ये बटन दिखेगा, अदरवाइज ये बटन दिखेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया होगा, दोनों में ओकली सॉरी दोनों में मैंने ओके लिखा है, बट ऑन क्लिक शो मोड ऑल ट्रू शो मोड ऑल, ये भी सब सेम है। डिफरेंस क्या होगा, कलर का होगा, जो बैकग्राउंड कलर है ना देखो BG यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे रेड है, बस यही डिफरेंस होगा और कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे हवर पे है BG और सॉरी ग्रीन है रेड है, और फिर यहाँ जितने यहाँ पे ग्रीन है यहाँ पे रेड, यानी कि जितना भी है बस कलर डिफरेंस है क्लास में। मैं दिखा देता हूँ देखो लाइक दिस, बस यहाँ पे कलर डिफरेंस है। तो गाइस हमने क्या किया, मॉडल बना लिया है, उस मॉडल को मैं इंटीग्रेट भी कर देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और इसका इंटीग्रेशन कहाँ पे करेंगे, तो गाइस देखो हम मॉडल को इंटीग्रेट भी कर लेते हैं और इसको इंटीग्रेट हम कहाँ पे करेंगे, app.css, क्योंकि देखो वो हमारा रूट फाइल है, मेन फाइल है, कोई भी हो वहां से गुजरेगा ही गुजरेगा। तो हमें क्या करना होगा, आप कैसे कर सकते हो, हमें इंपोर्ट करना होगा, तो मैं क्या करूंगा मॉडल को इंपोर्ट करूंगा टॉप पे, ये रहा मैंने फाइल ओपन नहीं किया था, और सेकंड स्क्रीन पे मैंने ऐड, चलो बढ़िया, हमने मॉडल को इंपोर्ट कर लिया। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, देखो हमें कैसे पता चलेगा, हम तो भेजेंगे वहां से, जब बैकएंड से भेज रहे हैं ना तो क्या कहते हैं क्यूरी पर पैरामीटर में भेज रहे हैं, तो क्यूरी पैरामीटर को हमें रिसीव तो करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन ओ माई गॉड, मैंने दूसरी स्क्रीन पर टाइप कर दिया, कोई नहीं, यहाँ पे करूँगा कौन, उसके बाद मैं लूंगा सर्च परम, सर्च परम इक्वल टू यूज सर्च परम, और ये हमारा फंक्शन है, कुछ भी हो देना देना नहीं है, हमने कर लिया। अब मुझे देखो क्या करना होगा, मैं ऐप के नीचे जाऊंगा यानी कि सॉरी हेडर के ऊपर, और यहाँ पे मैं बहुत लंबा चौड़ा टाइप करना पड़ेगा, आई होप देखते हैं लॉजिक थोड़ा सा, कर्ली ब्रेसेस लेंगे, यहाँ पे सर्च परम डॉट गेट मैसेज MST एंड ओ बाहर आएंगे, एंड सर्च परम डॉट गेट टाइप, यानी कि ये दोनों एग्जिस्ट करता है हमारे URL में, देन मॉडल टाइप हो जाए भाई, मॉडल बैक स्लैश, अब इसके अंदर पास कर देंगे MSG सर्च परम, मैं काम करता हूँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैसेज एंड ऑल्सो टाइप भी पास कर देंगे, टाइप हो जाएगा एंड लास्ट में क्या करूंगा, देखो यहाँ पे बाहर आऊंगा और ऐसे करूंगा, ऐसे हो गया हमारा। अब इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, हो गया, मैंने क्या किया इसको एंटर मार देता हूँ, पता चल जाएगा आपको। मैंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया, यदि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो हमें ये वाला
कंपोनेंट दिखे, अदरवाइज नथिंग, ब्लैंक दिखे, नल दिखे, आप नल भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही छोड़ दो। तो यहाँ पे कहाँ गया? उसको मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया है, मैसेज एंड टाइप, ये मैंने प्रॉप्स पास कर दिया गाइस। यहाँ का काम तो हमारा खत्म हो गया, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं चलता हूँ डिटेल्स वाले पेज पे, अभी तो हमें डिटेल्स वाले की ही जरूरत है। होम पेज पे आई थिंक कुछ बचा नहीं है, होगा तो देखा जाएगा लास्ट में। चलो डिटेल्स वाले पेज पे चलते हैं, और गाइस आई थिंक यदि हम डिटेल्स वाले पेज को नेक्स्ट वीडियो में करें तो बेटर होगा, क्योंकि वीडियो छोटा छोटा होगा और डिटेल्स वाला पेज भी हमारा आई थिंक डिटेल्स करें तो वही एक पेज बचा है, तो हो सकता है कि इस पूरे को ही कंप्लीट कर दें। और इस पेज में करूँगा, सॉरी इस वीडियो में करूँगा तो काफ़ी लंबा होगा, तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट में करूँ, तो नेक्स्ट में ही करता हूँ। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।